एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस, 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ अनु। नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चुनावी दौरे में आज मध्य प्रदेश से चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के सतना पहुंचे। उन्होंने कहा, कांग्रेस आई तबाही लाई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के समय हमने 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को हटाया। उन्होंने कहा कि वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी के झूठ का गुब्बारा फूट गया है। नशे ने पिता और बेटी की ली जान। जी हां, इंदौर से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बेटे ने अपने ही पिता और बहन की गला रेत कर हत्या कर दी। मामला इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र का है। मामले की जांच में ये बात सामने आ रही है कि पिता का बेटा पुल के कुछ दिनों पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से वापस लौटा था। वो नशे का आदि था। घर से बदबू आने पर पुलिस ने घर पर छापेमारी कर मामले का संज्ञान लिया। चुनावी प्रचार के बीच बरामद हुई शराब की पेटियां। धार जिले के गंदवानी विधानसभा में पूर्व मंत्री उमंग सिंघा सहित 3 लोगों के खिलाफ अवैध शराब परिवहन का मामला किया गया दर्ज। इसमें अंग्रेजी शराब की 26 पेटियां बरामद की गई है। हर पार्टी चुनावी दौरे कर रही। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमपी के अशोकनगर पहुंचे। वहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट अपील की। राहुल गांधी ने वायदा किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए करने की बात कही तो वहीं गेहूँ 2600 प्रति क्विंटल करने की भी बात कही। साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी के लिए वोट अपील करने पहुंचे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। पानी वाले दिए इको फ्रेंडली पटाखों की है विशेष मांग। मिठाइयों, फूलों और लाइट्स से सजा न्यू मार्केट। आज की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश लाइव। नमस्कार।